हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ एक इंस्टेंट सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जिसे आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। सैंडविच तो हम अक्सर बनाते हैं, बट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी सैंडविच टिक्की की रेसिपी। बहुत ही ईजी है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। ये वीडियो को एंड तक देखिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बनाएंगे हम पटेटो की फिलिंग। तो मैंने डाल लिया है 2 चम्मच ऑयल, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई और छोटा छोटा कट करके यहाँ अनियन, हरी मिर्ची और यहाँ पे मैंने फ्रोज़न कॉर्न ले लिया है। इन सभी चीज़ों को साथ में डाल देंगे। अगर आप और भी वेजीज इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, जिससे जो सब्ज़ियाँ हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। और हाई फ्लेम पर हमें इन्हें कुक करना है। अब हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच डाला है पाव भाजी मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और चिली भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 बॉयल पोटैटोज और डाल देंगे साथ में नमक। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और पोटैटोज जो हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा छोटा कर लेंगे, तोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसे 2 मिनट कुक करेंगे, भुनेंगे और हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी फिलिंग रेडी। कॉर्न का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब रख दिया है मैंने पैन और इस तरीके से ले लिया है मैंने ब्राउन ब्रेड। आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर को इस तरीके से कट कर देंगे कि सर्कल बन जाए। अगर आपके पास स्क्वायर शेप है तो आप स्क्वायर शेप भी कर सकते हैं। और इसके साइड्स में मैं यहाँ पर रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ, क्योंकि ये इंस्टेंट रेसिपी है। और पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप हरी चटनी भी लगा सकते हैं, टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं फ्लेवर। और अब जो सेंटर का पार्ट है इसमें हम डालेंगे फिलिंग अच्छे से प्रेस करते हुए। तो ये बन जाएगी हमारी सैंडविच आलू टिक्की। और पैन पे थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे, ऑयल या बटर, और पहले एक साइड से सेकेंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे इसको अच्छे से क्रिस्प होने तक। तो ये मिनी मिनी से सर्कल्स हमारे पास आ जाएंगे, इनको भी हम पोटैटो की फिलिंग के साथ सैंडविच बना देंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे हम सैंडविच का फिलिंग बनाते हैं वो सारा कुछ सेम है, बस इस तरीके से बना के देखिए तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। क्योंकि जो हम इसका जो टिक्की वाला साइड है इसे हम क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। जो पोटैटो के जो ऊपर की लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक हम इसे तवे पर अच्छे से सिकने देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, जिसे आलू को अच्छे से क्रिस्प हो जाए वो। तो एक साइड से तो ब्रेड था तो उसे हम इतनी ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है, लेकिन इस साइड जिस साइड आलू है उस साइड हमें इसे अच्छे से क्रिस्प करना है। और जो ये मिनी वाले पीसेस जो कटिंग्स थी उसको भी मैंने ऐसे फिल कर दिया है आलू से। और इस तरीके से दबाते हुए हमें ये सेक लेना है। तो ये रेडी हो गई है हमारी टिक्की सैंडविच। थैंक यू सो मच।